टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, अलार्म की आवाज़ गूंज उठी। नींद भरी आंखों से दिव्या ने फटाफट अपना हाथ आगे बढ़ाकर अलार्म ऑफ किया। दिव्या को डर था कि कहीं अलार्म से पास में सोए नीलेश की आंख न खुल जाए। एक दो बार जब दिव्या से अलार्म ऑफ करने में देर हुई तो नीलेश भी जाग गए थे और उन्होंने दिव्या पर कितना गुस्सा किया था। जब अलार्म से नींद खुलती ही नहीं तो लगाती क्यों हो, दिन भर घर पर सोती ही तो रहती हो, आदमी थक हार कर यहाँ तो चैन से भी सो नहीं सकता। नीलेश उस पर जोर से चिल्लाए थे। दिव्या तो बुत बनकर बैठी रह गई थी, अब यहाँ बैठी क्यों हो, एक तो नींद खराब कर दी और उस पर यहाँ सिर पर सवार हो, चाय बनाकर नहीं ला सकती क्या? मम्मी तुम्हारे बारे में एकदम सही कहती हैं, एक नंबर की आलसी और कामचोर हो, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, नीलेश ने गुस्से में कहा। दिव्या फटाफट चाय बनाने चली गई थी। वह सोच रही थी कि मूड तो मेरा खराब होना चाहिए, इतनी सी बात के लिए नीलेश ने इतना गुस्सा किया। घर पर सारा दिन एक टांग पर खड़ी रहकर घर के काम करती हूँ, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, तब भी सभी घर वाले नाराज ही रहते हैं या गुस्सा करते हैं। उसकी आंखों से दो बूंद लुढ़क कर उसके कपोलों तक आ गए थे, लेकिन उन्हें पहुँच कर नीलेश को चाय पकड़ा कर घर के काम करने चली गई थी। अलार्म ऑफ करके दिव्या ने खिड़की से बाहर नज़र डाली। जब दिव्या शादी के बाद इस घर में आई थी और उसे ये बालकनी बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा दिखाकर बताया गया था कि बहू ये है तुम्हारा और नीलेश का कमरा, तब दिव्या को बहुत प्रसन्नता हुई थी। उसने सोचा था कि कभी कभी इन बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप का टुकड़ा उसकी आंखों तक आकर उसे जगाएगा, वह गुलाबी आकाश वाली गुलाबी सुबह का आनंद ले पाएगी, धूप छन छन कर कमरे में आ सके इसलिए वह कमरे में हल्के पर्दे लगाएगी। लेकिन नीलेश ने मोटे मोटे पर्दे ये कहकर लगवा दिए कि नए शादीशुदा युगल की निजता भी कोई चीज़ है और हल्के पर्दे लगाने का क्या फ़ायदा है। नीलेश की बात सुनकर दिव्या मंद ही मंद मुस्कुराने लगी थी। उसने सोचा कि नीलेश तो बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन नीलेश का रोमांस तो बिस्तर से शुरू होकर बिस्तर पर ही ख़त्म हो जाता है। उसने सोचा था कि कुछ दिनों बाद पर्दे बदल देगी, लेकिन नीलेश ने बदलने कहाँ दिए थे, तब कहा कि तुम्हें तो घर पर बैठे बैठे फालतू के फितूर आते रहते हैं, यहाँ मैं हार तोड़ मेहनत करके एक एक पैसा इसलिए थोड़े ना कमाता हूँ कि तुम घर बैठकर लुटाती रहो। मम्मी सही कहती हैं कि तुम्हें घर चलाना नहीं आता, तुम जैसी औरतें घर को नरक बना देती हैं। खैर अच्छा ही हुआ, अगर हल्के पर्दे लग भी जाते तो वह कौन सा सुबह का लुत्फ उठा पाती, ना तो धूप के टुकड़े ना ही उसे कभी जगाया, क्योंकि टुकड़े के आने से पहले ही वह अलार्म से उठ जाती है और ना ही वह गुलाबी आसमान कभी तसल्ली से बैठकर देख पाई। दिव्या ने फाइनेंस में MBA कर रखा था। शादी से पहले दिव्या अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। जब नीलेश का रिश्ता आया तो इतना अच्छा घर बार देखकर मम्मी पापा ने दिव्या की शादी नीलेश से करा दी और उनकी ये शर्त भी मान ली कि दिव्या शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। दिव्या भी थोड़े ना नुकुर के बाद शादी के लिए मान गई थी, लेकिन नीलेश और उसके घर वाले बार बार उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं। उसने कई बार अपनी मम्मी को बताना भी चाहा कि वह ऐसे अपमानित होकर और नहीं रह सकती, लेकिन मम्मी बार बार यही कहती हैं कि बेटा पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हें थोड़ा सहना चाहिए, औरत ही है जो घर को स्वर्ग बनाती है, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों पर अपनी गृहस्थी नहीं बिगाड़ते, और देखना बच्चा होते ही सब ठीक हो जाएगा, सहनशीलता धैर्य जैसे गुण कभी मत छोड़ना, ये गुण ही तो औरत का गहना होते हैं। दिव्या कई बार सोचती है कि बच्चा होने पर सब ठीक हो जाता है या अपने बच्चे में व्यस्त होकर औरत सब भूल जाती है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना मम्मी को छोटी बात लगती है।
ऐसे हालातों में दिव्या माँ नहीं बनना चाहती, इसलिए वह नीलेश को बिना बताए पिल्स पर है। नीलेश की मम्मी जब तब उसे बच्चे ना होने के लिए ताने भी मारती रहती है, लेकिन वह अपने बच्चे को ऐसे नारकीय जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहती जहाँ उसके पापा और दादा दादी के लिए उसकी मम्मी एक वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं। जब कभी दिव्या कहती है कि मम्मी मेरा आत्मसम्मान भी कोई चीज़ है, तब दिव्या की मम्मी का कहना होता कि तुम पढ़ी लिखी लड़कियों की यही समस्या है, चार अक्षर क्या पढ़ लेती हो, आत्मसम्मान अभिमान पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लग जाती हो। पढ़ाई अपनी जगह है लेकिन घर गृहस्थी को संभालना एक औरत की ही जिम्मेदारी है। वक्त दो अपनी शादी को, उल्टी सीधे बातें अपने दिमाग से निकाल दो। वह अपनी मम्मी को बोलना चाहती है, मम्मी औरत घर को स्वर्ग जैसा कैसे बनाए अगर उसमें रहने वाले लोग ही देवता जैसे ना हों। स्वर्ग में तो सभी लोग हिल मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार और सहकार से रहते हैं, धैर्य करुणा क्षमा आदि गुणों को धारण करने वाले ही तो देवता होते हैं। इस घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए दिव्या सब कुछ तो करती है, लेकिन फिर भी उसे हर बार ये एहसास दिला ही दिया जाता है कि वह एक सुगढ़ गृहिणी नहीं है। हर बार दुख और अपमान का घूंट पीकर भी वह मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाती। दिव्या ने खिड़की का पर्दा हटाया तो बारिश की कुछ बूंदें अभी भी पत्तियों पर ठहरी हुई दिखाई दी। रात को हुई बारिश के बाद सब कुछ बड़ा उजला उजला सा दिख रहा था। आज का दिन भी तो दिव्या के लिए इतना ही उजाला लेकर आने वाला है। दिव्या ने कुछ दिन पहले अपनी दोस्त इति को अपनी समस्या बताई थी, तब इति ने ही उसे सुझाव दिया था कि वह दोबारा नौकरी करे। एक तो जब वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी तो कोई भी बड़ा कदम उठाना आसान होगा, और दूसरा उसकी जब नीलेश पर निर्भरता खत्म हो जाएगी तो शायद नीलेश में सुधार हो। नौकरी पर जाने से माहौल भी बदलेगा तो उसे अच्छा लगेगा। घर के काम करती हुई दिव्या बार बार अपना मेल चेक कर रही थी। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से समय निकालकर फ़ोन के जरिए ही तो इंटरव्यू दिया था। इति के रेफरेंस से वह इंटरव्यू दे पाई थी। जैसे ही दिव्या को चैन का मेल आया, उसकी खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं था। मारे खुशी के उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वह नीलेश के घर लौटने का इंतज़ार करने लगी ताकि वह अपना निर्णय सबको सुना सके। नीलेश जैसे ही घर पर आया, उसने सबके लिए चाय बनाई और लेकर आई और कहा, आज मुझे आप सबसे कोई ज़रूरी बात करनी है, अभी मैं थका हुआ हूँ, बाद में बात कर लेना, वैसे भी तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, नीलेश ने झल्लाते हुए कहा। ठीक ही तो कह रहा है, पति थका हारा आया है, उसे दो घड़ी आराम तो करने दो, दिव्या की सास ने कहा। मम्मी ये है स्वर्ग, आप कहती थी कि शादी कर ले बेटा, औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, नीलेश ने मुंह बिचका कर कहा। हाँ सही कहा, स्वर्ग तभी बना सकती है जब उसमें रहने वाले लोग भी देवता हों। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है, अपना पूरा जीवन एक ऐसे घर को बनाने में लगा देती है जिसके दरवाजे पर उसकी नाम की नेम प्लेट तक नहीं होती। उसकी प्रशंसा तो दूर की बात है, आप रोज उसकी खामियां तलाश करते रहते हैं, दिव्या ने कहा। बहुत बोलने लगी हो, अपनी औकात में रहो, नीलेश ने कहा। मुझे मेरी औकात पता है, तुम भी जान लो, ये कहते हुए दिव्या ने नीलेश को अपने मोबाइल पर अपना नियुक्ति पत्र दिखाया। तुम अब नौकरी करोगी, नीलेश जोर से चिल्लाया। चिल्लाओ मत, मैं भी चिल्ला सकती हूँ, नौकरी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँगी, दिव्या ने कहा। हिम्मत देखो इसकी, नीलेश की मम्मी ने कहा। अभी आपने हिम्मत देखी ही कहाँ है, और एक बात, मैं गर्भ निरोधक दवाएं खा रही हूँ,
इसलिए बच्चा नहीं हुआ। ऐसे नारकीय माहौल में मेरे बच्चे को नहीं ला सकती। जब तक इस घर के लोग देवता जैसे नहीं होंगे, तब तक मैं क्या कोई भी इस घर को स्वर्ग नहीं बना सकता। सब कुछ एक औरत ही करे, सारे कर्तव्य और जिम्मेदारी एक औरत को ही दे दो। अगर बहू है तो बिना कुछ बोले बस घर को स्वर्ग जैसा बना दे। आपने कभी सोचा कि अकेले इंद्र ने स्वर्ग नहीं बनाया, सभी देवताओं ने मिलकर बनाया है, दिव्या ने आत्मविश्वास से कहा। दिव्या के चेहरे की चमक और हिम्मत ने नीलेश और उसके घर वालों के मुंह पर ताले जड़ दिए। वे उसे चुपचाप अपने रूम की तरफ जाते हुए देखते रह गए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।